जी कामरान भाई, जी जी आपकी गाड़ी तैयार है, आप भेज दें ड्राइवर को। ठीक है कामरान भाई, ओके ठीक है। अरे जल्दी हाथ लगाओ ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं शबरीज। क्यों आए हो यार? अंकल वो एक्सक्यूज करने आया हूँ, मेरी फैमिली नहीं आ सकी थी ना, मैं उनको ला नहीं सका। तुम्हारी फैमिली नहीं आई ना तो बस बात खत्म हो गई। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल मुझे एक चांस और दे दे, मैं ले आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के रवैये से तो यही नजर आ रहा है ना। अंकल वो घर में एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं इसलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? तुम्हारी फैमिली ने इतना गवारा नहीं किया ये बताने के लिए कि एक फोन ही कर देते और तुम्हें भेज दिया। अंकल आप मेरा यकीन करें, मैं सबको मना लूंगा, अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। मैं ने भी तो यकीन ही किया था ना तुम पर, क्या किया तुमने? अंकल मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दे दिया है। दिया था तुम्हें टाइम, दिया था, लेकिन जो शख्स अपनी जुबान का ही पक्का नहीं है वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा। अंकल अब यकीन जानो, मैं मेहर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाए तो। अरे तुम जैसे अमीरजादे वक्त गुजारी को मोहब्बत का नाम देकर हम जैसों की इज्जत और हैसियत का मजाक उड़ाते हैं। नहीं अंकल ऐसा नहीं। अरे निकल जाओ यहाँ से और खबरदार अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे दोबारा दिखाई तो। निकलो यहाँ से, जल्दी करो, जल्दी हाथ लगाओ, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, आ रहे हैं वो।